कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग अध्याय 7 समूहों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मिश्रित दंड वाले चित्रों का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग द्विविमा वाले चित्रों को देखेंगे और इसके थ्योरी में आते हैं कि वर्ग चित्र, साधारण वृत्त चित्र किसे कहते हैं। एक विमा चित्रों में जहाँ चौड़ाई की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, द्विविमा चित्रों में लंबाई और चौड़ाई दोनों पर ध्यान दिया जाता है और इस पर आधारित मूल्यों को प्रदर्शित किया जाता है। और इन चित्रों में चौड़ाई को माप के आधार पर लेने पर ये भिन्न भिन्न आकारों के होते हैं, जिससे इन्हें क्षेत्रफल भी कहा जाता है। द्विविमा चित्र जो है तीन प्रकार के होते हैं, एक वर्ग चित्र, दूसरा वृत्त चित्र और तीसरा आयत चित्र, अर्थात वर्ग के आकार का, जैसा यहाँ नीचे में आप लोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद वृत्त चित्र आगे देखेंगे और तीसरा है आयत चित्र। वर्ग चित्र जब दो ऐसी मात्राओं को तुलना करना हो जिसमें बहुत अधिक अंतर हो, तो उसमें फिर दंड चित्र उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि जो पैमाना लिया जाएगा वो ठीक नहीं होगा। एक दंड बहुत बड़ा बनेगा, दूसरा बहुत छोटा बनेगा और उसको कागज़ पर दिखाना भी कठिन हो जाएगा। ऐसी दशाओं में इन संख्याओं का वर्गमूल निकालकर उनकी भुजा बनाकर उसी अनुपात में उन पर वर्ग बनाते हैं। माना कि 100 और 16 को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना हो, ये देखिए बगल में है 100 और 16, तो ऐसी दशा में दंड चित्र उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा बनेगा, एक छोटा बनेगा। तो इसके स्थान पर इसका हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे, 100 का होगा 10 और 16 का होगा 4। तो इस प्रकार इनको वर्गों में बांटकर हम लोग वर्ग चित्र बनाएंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग वृत्त चित्र। आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए वृत्तों का भी प्रयोग किया जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल अर्ध व्यास पर निर्भर करता है। आप लोग पढ़ चुके हैं अर्ध व्यास किसको बोलते हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ जो होता है इसको अर्ध व्यास बोलते हैं और ये पूरी लकीर इसको व्यास बोलते हैं, ये यहाँ से यहाँ अर्ध व्यास। इसलिए वर्गों की भुजाओं के ही अनुपात में अर्ध व्यास लेकर वर्गों के स्थान पर वृत्त भी बनाए जा सकते हैं। वृत्त भी दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण वृत्त चित्र और दूसरा अंतर विभाग चित्र। साधारण वृत्त चित्र जिन परिस्थितियों में वर्ग चित्रों का प्रयोग किया उपयुक्त रहता है, उन्हीं क्षेत्रों में वृत्त चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या या अर्धव्यास के अनुपात में बदलता है। वृत्त चित्र बनाने में सरल होता है, देखने में आकर्षक लगता है और वर्ग की तरह वृत्त चित्रों की रचना भी वर्गमूल निकालकर की जा सकती है। वर्गमूलों के अनुपात में वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कर ली जाती है और उसके आधार पर उनकी रचना की जाती है। उदाहरण नंबर 15 को सिर्फ देख लीजिए, इसको ग्राफ में बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रति व्यक्ति आय दिया है अमेरिका का 4900 रुपये, रूस का 3600, वहीं भारत का देखेंगे तो 400, सबसे कम भारत का है। फिर यहाँ से देखने से ही समझ में आ जा रहा है जापान का है, इंग्लैंड का है, रूस का है, अमेरिका का है। और यहाँ पर जो आय दी है उसका वर्गमूल निकाल लिया गया है और बटे 40 करने से 509 आता है, तो 1 सेंटीमीटर के आधार पर इसको हम लोग बना सकते हैं। दूसरा होता है अंतर विभाग चित्र। इसमें कोण लेकर बनाया जाता है, चूँकि वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण रहता है, इसलिए संपूर्ण मूल्य को 360 मानकर उसी के अनुपात में ज्ञात करते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 16 में देखेंगे तो बहुत सारे देश दिए हुए हैं, उनकी जनसंख्या दी हुई है, उसका अंश निकाला गया है और उसके बाद संचयी अंश, अर्थात इसमें इसको जोड़ने से संचयी अंश मिलता है, इसमें से इसको जोड़ देंगे तो ये संचयी अंश मिलता है। फिर पैमाना मानकर उसको हम लोग अलग अलग कोण बनाकर खींच देते हैं। ठीक इसी प्रकार से तीसरा होता है आयत चित्र, जिसमें आयत के माध्यम से दिखाया जाता है। समन के दो गुणों को एक ही चित्र द्वारा साथ साथ प्रदर्शित करने के लिए आयत चित्र का निर्माण किया जाता है। आयतों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि क्षेत्रफल संबंधित समंकों के अनुपात में। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणी चौड़ाई। और आयत चित्रों का प्रयोग मुख्य रूप से पारिवारिक आय व्यय, वस्तुओं की लागत और लाभ,
औद्योगिक मजदूरों का वेतन व संख्या आदि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ये भी तीन प्रकार के होते हैं, साधारण आयत, अंतर्विभक्त आयत और प्रतिशत अंतर्विभक्त आयत। इसको भी ये बुक में दिया हुआ है, इसको भी ग्राफ में बनाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको बनाना था उसको हम लोग अपनी कॉपी में बना चुके हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने द्विविमा चित्र का अध्ययन किया, अगले वीडियो में हम लोग त्रिविमा चित्र को देखेंगे।